मॉर्निंग बच्चों, मैं महिमा आज आपके सामने क्लास फिफ्थ के लिए क्लास लेकर आ रही हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास फिफ्थ को कंटिन्यूसली मैं क्लास दे रही हूँ, और मैंने आपको अभी तक जो क्लासेस दी हैं, जो समझाया है, वो मैंने आपको सब्जेक्ट के लिए समझाया है, कर्ता के लिए समझाया है। जैसे कि जो मैं आपको दे चुकी हूँ, संज्ञा बता चुकी हूँ, और सर्वनाम सिखा चुकी हूँ, है ना, और संख्या सिखा चुकी हूँ। ये सारी चीजें जो हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये सारी चीजें हमारे नाउन, जिसे नाउन, प्रोनाउन और नंबर्स, ये सब चीजें सिखा चुकी हूँ। और ये सब चीजें बच्चों हमारे कर्ता के लिए काम आती है, अर्थात सब्जेक्ट के लिए काम आती है। ओके, तो लगभग हमारा सब्जेक्ट वाला पॉइंट जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब मैं आज आपके सामने जो क्लास डालने जा रही हूँ, उसमें हम जो क्लास डालेंगे वो जो है क्रिया के लिए है। यानी अब हम कर्ता कंप्लीट करने के बाद क्रिया चल रहे हैं, और क्रिया जब हम आपको सिखा देंगे तो मैं आपको सेंटेंस बनाना सिखाऊंगी कि कर्ता और क्रिया का सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, किस तरह से कर्ता का और क्रिया का कॉम्बिनेशन मिलाया जाता है, राइट। तो आज मैं आपके सामने जो क्लास लेकर आ रही हूँ वो क्रिया के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर आ रही हूँ, और जिसको हम स्टार्ट करते हैं, हम जो बोलते हैं पुरुष विचार, हम क्या नाम दे रहे हैं उसे, क्या हम टॉय टाइटल दे रहे हैं, हम दे रहे हैं पुरुष विचार। पुरुष विचार। अब जैसे बच्चों आपने सीखा था कि वचन जो होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होते हैं, और लिंग जो होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग होते हैं, यानी तीन तीन होते हैं। इसी तरह से जो पुरुष विचार होता है वो भी हमारे पास तीन होते हैं, है ना। तो हम, मैं आपको सबसे पहले सिखा रही हूँ कि पुरुष विचार क्या है, वो मैं जैसे जैसे आपको बताती जाऊंगी वैसे वैसे आप बात को समझते जाएंगे। तो हमारा सबसे पहले पुरुष विचार में सबसे पहले हमारे पास आता है अन्य। हमारे पास क्यों क्या आता है, सबसे पहले आता है अन्य पुरुष, ओके, और सेकंड नंबर पर आता है मध्यम पुरुष, पुरुष, और इसके बाद थर्ड नंबर पर हमारे पास आता है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, ओके। जो अन्य पुरुष होता है वो, जो हमारा जो अन्य पुरुष होता है वो प्रथम अन्य पुरुष, यहां हम इसे बोले प्रथम पुरुष, मेन जो कहलाता है ये प्रथम पुरुष कहलाता है, ये प्रथम पुरुष होता है, और इसको ये अन्य पुरुष के लिए काम आता है, अन्य व्यक्ति के लिए, अन्य व्यक्ति के लिए काम आता है, अन्य व्यक्ति को संबोधित करता है। हम अन्य पुरुष भी बोलते हैं या इसको प्रथम पुरुष भी बोलते हैं। तो जो आपको ज्यादातर बुक्स में मिलेगा वो आपको मिलेगा प्रथम पुरुष, जिसको हम अन्य पुरुष की ओर संकेत करता है, राइट। और मध्यम पुरुष जो है वो हमारा सामने बैठे हुए श्रोता के लिए होता है, सामने 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 वाला व्यक्ति कहलाता है, या हम दूसरी तरीके से कहें श्रोता। क्या होता है, श्रोता होता है, सुनने वाला होता है, श्रोता, यानी जो व्यक्ति, जो वह व्यक्ति जो सुनता है वो श्रोता कहलाता है, वो कहलाता है मध्यम पुरुष। और उत्तम पुरुष क्या होता है, कहने वाला व्यक्ति, क्या कहलाता है, कहने वाला व्यक्ति,
कहने वाला व्यक्ति, या हम बोल सकते हैं श्रोत वक्ता। ओके, अब ध्यान से सुन लीजिए बच्चों, जिस तरह से जो पुरुष विचार होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं, जिस तरह से लिंग तीन होते हैं, जिस तरह से वचन तीन होते हैं, उसी तरह से पुरुष भी हमारे तीन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रथम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है, उत्तम पुरुष होता है। प्रथम पुरुष को अन्य व्यक्ति के नाम से भी जाना जाता है या अन्य पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, और जो अन्य व्यक्ति होता है जो हमारे सामने नहीं होता है, राइट, थर्ड पर्सन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं थर्ड पर्सन। और मध्यम पुरुष क्या होता है? सामने बैठा हुआ व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति, और जिसको हम श्रोता, जो हमारी बात को सुनता है। और उत्तम पुरुष क्या होता है? कहने वाला व्यक्ति, वक्ता, यानी जो कहता है बात को, वो कहलाता है, राइट। अब प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, अब मैं आपको समझाने जा रही हूँ बच्चों कि प्रथम पुरुष कौन होते हैं, मध्यम पुरुष कौन होते हैं, उत्तम पुरुष कौन होते हैं। अब जो प्रथम पुरुष होता है वह होता है, मैं यहाँ लिख रही हूँ, ये तीनों मैंने लिख लिए, इसमें प्रथम पुरुष होगा आपको पता है अन्य व्यक्ति जो सामने नहीं है हमारे, और अन्य व्यक्ति कौन होगा? स, वह, स हो सकता है, पुल्लिंग में सह होगा, और स्त्रीलिंग में सा होगा, और नपुंसक लिंग में सत होगा। ओके, ये एक वचन में। ओके, और द्विवचन में वो कौन, वो क्या होगा? द्विवचन में देखिए, एक वचन में तो सह पुल्लिंग में, सा स्त्रीलिंग में, और तत् नपुंसक लिंग में। आप सीख चुके हो बच्चों, बहुत बार आपको सिखा चुकी हूँ कि सह क्या है, सा क्या है, और तत् क्या है। इसी तरह से द्विवचन में जो होगा, सह का क्या हो जाता है? द्विवचन, पुल्लिंग का द्विवचन क्या हो जाता है? तऊ। स्त्रीलिंग का द्विवचन क्या हो जाता है? ते। और नपुंसक लिंग का भी द्विवचन ते होता है। तो द्विवचन में वो प्रथम पुरुष जो होगा किस किस नाम से आएगा? तऊ, ते या ते, है ना, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। इसी तरह से आपका बहुवचन जो होगा, बहुवचन जो होगा बच्चे, आप जानते हैं सह का तऊ, सह तऊ, और ये ते आता है ना, और ये हुआ पुल्लिंग, और सा ते तहा, ये हुआ स्त्रीलिंग, और तत्ते तानी, ये हुआ नपुंसक लिंग। आपने बहुत बार सिखा चुकी हूँ बच्चों कि सह जो होता है वो वह यानी हमारे सामने नहीं है, अन्य व्यक्ति है, न बोलने वाला व्यक्ति है और न सुनने वाला व्यक्ति है। कौन है? हम किसके बारे में कह रहे हैं? अन्य व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं, जो तीसरा कोई और व्यक्ति है वो कहलाता है, राइट। और वो सह जो होता है, हमें पता है सह पुल्लिंग भी होता है, स्त्रीलिंग भी होता है, नपुंसक लिंग भी होता है। तो मैंने आपको ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, द्विवचन में भी ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, बहुवचन में भी ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, राइट। ये हुए हमारे प्रथम पुरुष। ओके, अब ये प्रथम पुरुष हो गए, और हमारा अब चलते हैं सेकेंड, मध्यम पुरुष पे। मध्यम पुरुष है ना, और मध्यम पुरुष जो है हमारा, मैंने आपको क्या बताया है, मध्यम पुरुष है हमारा सामने वाला व्यक्ति, श्रोता, जो हमारी बात को सुन रहा है, यानी जो सुनता है। मध्यम पुरुष के अंतर्गत क्या आता है? एक वचन में आता है त्वम, आपको पता है त्वम, द्विवचन में आता है त्वम, युवाम, और बहुवचन में आता है युयम। मैंने जब आपको सर्वनाम शब्द सिखाए थे उसमें बताया था कि जो मध्यम पुरुष, जो त्वम होता है, वो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में एक समान चलता है। तो हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, हम तीनों में, चाहे वो पुल्लिंग हो, चाहे वो स्त्रीलिंग हो, चाहे वो नपुंसक लिंग हो, त्वम ही आएगा। इस तरह से द्विवचन में युवाम आएगा और बहुवचन में युयम आएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, तीसरा हमारे पास है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष,
उत्तम पुरुष है, आप उत्तम पुरुष में कहने वाला व्यक्ति यानी मैं वक्ता, कौन कहता है, वक्ता कहता है ना, तो इस ये जो वक्ता होता है वो उसके अंतर्गत क्या आता है, अहम। मैंने आपको यहाँ पर भी बताया था बच्चों, जो अहम आवाम व्यम का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, एक सॉरी सॉरी पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग एक एक समान रहते हैं, तो हम उसको पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग को हमने एक समान माना, तो हमने अहम आवाम, इसको हमें अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, आवाम और व्यम। ओके, अब जरा मैं आपको इनकी एक बार हिंदी भी लिखा देती हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। और ये सह सातत, ये है वह, ये आएगा वह, वह दो, और ये है वह सब। पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग तो आप पहचान रहे होंगे, और इसमें आएगा तुम, ये किसके लिए आएगा, ये तुम, ये तुम दो, ये तुम सब। ओके, नेक्स्ट आ जाइए इसमें तुम सब। अब हम करते हैं मैं अहम, मैं अहम मतलब मैं, हम दो, मैं दो नहीं बोलते, हम दो और हम सब, ये बहुवचन, मैं सब नहीं बोलते, हाँ हम सब, राइट। तो इस तरह से बच्चे आप पढ़ते पढ़ते मेरी बात को यहाँ अभी याद कर लीजिए, क्या कि हमारे जो पुरुष होते हैं वो होते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, है ना। और प्रथम पुरुष जो होता है अन्य व्यक्ति के नाम से भी जाना जाता है, मध्यम पुरुष क्या होता है, अन्य व्यक्ति या अन्य व्यक्ति से पहचान आती है, और मध्यम पुरुष क्या होता है बच्चे, सामने वाला व्यक्ति होता है जो श्रोता, बात को सुनता है, कोई भी सेंटेंस है कह और वो सुनने वाला व्यक्ति, और उत्तम पुरुष क्या होता है, कहने वाला व्यक्ति अर्थात वक्ता, राइट। और प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष की कैटेगरी में कौन कौन से सर्वनाम आते हैं। प्रथम पुरुष की कैटेगरी में मैंने आपको बताया सह सा तक, आपने ये पहले सीखा हुआ, सह पुल्लिंग है, सा स्त्रीलिंग है, तक नपुंसक लिंग है, वह एक वचन है, वह दो है और वह सब है, और इसी तरह से तऊ ते 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 ता तानी, राइट। मध्यम पुरुष क्या है, तुम दो, तुम सब, इसकी संस्कृत बनती है त्वम, युवाम, युवाम, युयम। और उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम, मैं, हम दो, हम सब। बच्चे मैंने दूसरी बार फिर से रिवाइज इसलिए कराया, फिर से रीड इसलिए किया ताकि आप मेरे साथ ही याद कर लो, तभी आप बात को आगे समझ पाओगे। ओके, तो ये समझना बहुत जरूरी है। ओके, अब हमारे पास ये आपके करने के बाद अब मैं आती हूँ आपके पास क्रिया। अब मैं लिखती हूँ क्रिया। आपकी क्रिया क्या होती है, काम करने वाले को, वाक्य में काम करने वाले को, वाक्य में जो काम हो रहा है उसे क्रिया कहते हैं। ओके, अब आपने क्रिया क्रिया कहते हैं। और कर्ता, अब आपने एक क्रिया सीखी, एक सीखी कर्ता। वाक्य में जो जो काम जो कर रहा है, जो काम
जो काम कर रहा है उसे कर्ता कहते हैं। दोनों में फर्क समझा बच्चों? ये जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो बच्चे बात को समझ नहीं पाते। फिर से सुनिए, क्रिया किसे कहते हैं? वाक्य में जो काम हो रहा है उसे क्रिया कहते हैं, और कर्ता किसे कहते हैं? वाक्य में जो काम हो रहा होता है उसे कर्ता कहते हैं। अब जैसे मैं आपके सामने लिख रही हूं कि वह, जैसे वह खेल रहा है, वह खेल रहा है। अब काम कौन सा हो रहा है? खेलने का। काम कौन सा हो रहा है? वाक्य में जो काम हो रहा होता है, यहाँ काम कौन सा हो रहा है? खेलने का हो रहा है। तो ये क्या हुई आपकी, ये क्या बनी? ये आपकी बनी बच्चे, ये काम, ये खेल रहा है ना? तो वाक्य में जो काम हो रहा है उसे क्रिया कहते हैं। तो ये खेल रहा है, थोड़ा सा मैं रब करके इसको सही से लिख देती हूँ ताकि आपको दिक्कत बिल्कुल ना हो। खेल रहा है और वह खेल रहा है ना, तो ये खेल रहा है तो आपकी क्रिया बन गई, राइट? क्यों? क्योंकि ये हमारा काम हो रहा है, ये काम हो रहा है ना, तो ये खेल रहा है, हमारा काम हो रहा है, तो ये हमारी बनी क्रिया। और ये वह, और खेलने का काम कौन कर रहा है? वाक्य में जो काम कर रहा है, काम कौन कर रहा है? वह। खेलने का काम कौन कर रहा है? वह। तो वह क्या बन गया? वह क्या बन गया? करता है। बच्चे ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप ये पहचान गए तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी बात को समझने में। फिर से सुन लो, क्रिया किसको कहते हैं? वाक्य में जो काम हो रहा होता है उसे क्रिया कहते हैं, और कर्ता किसे कहते हैं? वाक्य में जो काम कर रहा है उसे कर्ता कहते हैं। अब यहाँ काम जो हो रहा है वो खेलने का हो रहा है, और वो क्या बन गई? क्रिया। और खेलने का काम कौन कर रहा है? वह। तो वो क्या बन गया? या इसको मैं दूसरी तरीके से ऐसे भी समझा सकती हूँ, बालक, ये बालक पढ़ रहा है ना? अब यहाँ काम किसका हो रहा है? यहाँ काम क्या हो रहा है? पढ़ने का। तो ये पढ़ने का काम क्या हुआ बच्चे? ये बनी क्रिया, और ये पढ़ने का काम कौन कर रहा है? बालक। काम कौन कर रहा है? बालक। तो बालक क्या बना? कर्ता। आगे बात समझ में? तो इस तरह से हमने दो वाक्यों के थ्रू आपको समझाया कि दो वाक्यों के जरिए मैंने आपको समझाया कि क्रिया और कर्ता में क्या क्या चीज है। ओके, तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब आपने कर्ता में, अब आगे और एक बात सुनो, जो ये कर्ता है, आपने कर्ता वाली सारी चीजें सीख ली है, जिसमें कर्ता में हमें जरूरत पड़ती है, कर्ता में हमें जरूरत पड़ती है किस किस की? संज्ञा की, वो हमने सीख ली। सर्वनाम की, वो भी सर्वनाम, वो भी हमने सीख ली बच्चों, है ना? मैं आपको वो भी सिखा चुकी हूँ। वो भी मैं आपको सिखा चुकी हूँ। इसके बाद संख्या यानी नंबर, संख्या मैं ये भी सिखा चुकी हूँ। और इसके बाद आपके पास जब जो और जरूरत पड़ती जाएगी वो मैं आपको सिखाती जाऊंगी। और आपके पास इधर आती है लिंग की जरूरत भी पड़ती है, तो लिंग की, लिंग भी हमें जरूरत पड़ती है, तो हमने लिंग भी सीख ली है और वचन भी सीख ली है। वचन की भी यहाँ जरूरत पड़ती है, ये वचन की सीख है, यानी हमारा ये काम जो है कर्ता वाला काम कंप्लीट हो चुका है ना? अब ये हमारा आता है क्रिया वाला, है ना? क्रिया में हमें, क्रिया में हमें देखिए हमें पड़ती है जरूरत लिंग की, नहीं सॉरी लिंग की नहीं, हमें पड़ती है जरूरत वचन की,
हम वो सीख चुके हैं, है ना, वचन की जरूरत पड़ती है वो सीख चुके हैं। एक हमें जरूरत पड़ती है धातु की। धातु में आज आपको सिखाया, ओके, बात समझ आ गई। कर्ता हमने क्लियर कर लिया है, कर्ता में सब कुछ सिखा चुकी हूँ, और क्रिया में मैं आपको वचन की जरूरत पड़ती है वो वचन सिखा चुकी हूँ। आज मैं धातु, एक धातु की जरूरत पड़ती है, आज मैं आपको धातु सिखाने जा रही हूँ, और जिससे आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा और तभी आप इस बात को समझ पाएंगे। अब धातु, अब मैं आती हूँ यहाँ पर आपकी धातु क्या सिखा रही हूँ, ये सिखा रही हूँ। आज मैं आपको क्या सिखा रही हूँ बच्चे, धातु सिखा रही हूँ। और धातु क्या होती है, धातु अर्थात धातु कहते हैं, और इसे कर्तृवाच्य भी कहते हैं। धातु सीखिए, अभी आपको कर्तृवाच्य बड़े बच्चे सीखते हैं, तो मैं कर्तृवाच्य नहीं सिखा रही हूँ, और धातु कहते हैं हम आपको। और धातु हमारे पास क्या होते हैं, धातु जो कहलाती है बच्चे, मैं आपको कहूँ तो धातु हम कहते हैं ईरा, जो जो काम हो रहा है वो धातु कहलाती है। जो काम हो रहा होता है, जो काम, क्योंकि वो आप देखो लिख भी क्रिया में ही रहे हो, है ना, जो काम, और मैंने आपको सिखाया था जो काम हो रहा होता है वो क्रिया कहलाता है ना, जो काम हो रहा है या क्रिया, ये कहलाती है धातु, ओके। अब हमारे पास जैसे पढ़ रहा है, कोई भी वाक्य होगा उसमें पढ़ रहा है, लिख रहा, पढ़ रहा है ना, लिख रहा है, ये सब काम हो रहे हैं, लिख रहा है, है ना। नेक्स्ट बोलती हूँ खेल रहा है, अब ये क्या है, आप देख रहे हैं ना, ये किए हैं। तो अब मैं आपको सिर्फ जो लिखवाती हूँ, धातु हमारी, हम क्या कहते हैं धातु किसे कहते हैं, अब आप मेरी बात को बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। धातु कौन सी होती है, पढ़, लिख, खेल, है ना, पढ़ना, लिखना, खेलना, ये सब क्या कहलाती है, हमारी धातु कहलाती है। खेल, हंसना, हंसना, है ना, और बोलना, बोल रहा है, बोलना, ये से हंसना, बोलना, लिखना, पढ़ना, है ना, और लिखना, खेल भी, खेलना, हंसना, बोलना, और मैं आपको जैसे कहूँ लिखना, लिख लिया आपने, और हम धातुएं लेते हैं जिसमें हम करते हैं धातुएं, खाना, है ना, और जाना, ओके, और गिरना, पत्ता गिर रहा है, है ना, और हम करते हैं और नमस्कार करना, ये सारी क्या कहलाती है, धातुएं कहलाती है। ऐसे बहुत जितनी धातुएं, ऐसे नहीं कि हमारे पास इतनी ही धातुएं, हजारों धातुएं होती है ना। और पचाना, भोजन पचा रहे हैं, पक रहा है, पचाना, है ना, पकाना या पचाना, पकाना लिख देते हैं पहले हम, पकाना। तो ये ऐसे हमारे पास, दौड़ना, ऐसे हमारे पास बहुत धातुएं होती हैं, जिसको हम जितनी आती जाएंगे, सामने आती जाएगी, हम उतनी आपको बताते जाएंगे, है ना। और मिलना, मिल रहा है, दो भाई मिल रहे हैं तो मिलना, ये हमारे पास क्रिया बहुत तरीके की होती है। फिर भी मैंने जो जो सेंटेंस हमारे पास आते जाते हैं हम वो बताते जाते हैं। अब इनकी धातु होती है ना, अब जैसे हम, ये तो आपको मैंने हिंदी में बताई, अब इसकी संस्कृत क्या बनेगी, धातु
अब ये धातु बनेगी है ना, तो धातु में हमारे पास क्या बनेगी, ये पट धातु। ये क्या बनी, पट धातु। और लिखने को बोलेंगे लिख धातु। हलंत जरूर लगेगा बच्चों, ज्यादातर हलंत लगता है, लिख धातु। खेलने को खेल धातु, खेल धातु। खेल और ये धातु। हमें धातु लिखने की भी जरूरत नहीं है, हम केवल हम ये लिख सकते हैं पट लिख, है ना। तो बार बार धातु, ये धातु ही है, है ना। तो ये एक बारी मैं आपके सामने लिख दे रही पट धातु, फिर बाकी मतलब अंडरस्टूड बात है कि हम धातु सीखते हैं, है ना। हंसने को बोलते हैं हंस, हलद लगता है सब में। बोलने को बोलते हैं वद, खाना खाद, जाना गम, गिरना पत, नमस्कार करना नम, ये सब धातुएं बच्चों। पकाना पच, ये सारी धातुएं। तो आपने धातुएं सीखी है ना। अब इन धातुओं के अब आगे चलते हैं बच्चों। ये धातुएं थी, अब ये ऐसा नहीं कि हम क्रिया लगाएंगे तो सब में हम ये पट लगा देंगे, लिख लगा देंगे, खेल लगा देंगे, नहीं। आपने ये धातु सीखी है। अब धातु सीखने के बाद अब हर धातु के धातु रूप होते हैं। अब आ जाइए धातु रूप, और आपको पता चलना चाहिए बच्चे ये धातु रूप है, ये क्रिया है, ये धातु रूप। धातु रूप, अब धातु रूप हमारे होते हैं। अब आ जाइए आपके पास जो मैंने ये सिखाया, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, है ना। तो और इसके मैंने सिखाया प्रथम पुरुष किसको कहते हैं, मध्यम पुरुष किसको कहते हैं, उत्तम पुरुष कहते हैं। अब इस तरह से धातु में भी होता है बच्चे, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, बिल्कुल उसी की तरह से मध्यम पुरुष, और ये होता है उत्तम पुरुष। बच्चे ये सारे बच्चे सीख रहे हैं, और ये जो मैं ग्रामर सिखा रही हूँ, जो भी मैं ग्रामर सिखा रही हूँ, ये सीटेट वाले बच्चे, एचटेट वाले बच्चे, जो भी कॉम्पिटेटिव लेवल के क्लासेस एग्जाम देते हैं, उन सारे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे सीखने से आप लगभग संस्कृत जो है बेसिक्स सीख जाएंगे, है ना। तो इनको क्लियर करना बहुत जरूरी है, इनको रीड करना बहुत जरूरी है। जो मैंने जितनी क्लासेस डाली हैं, जिसमें मैं देखिए जितनी आपको ये क्लासेस दे चुकी हूँ, संज्ञा की, सर्वनाम की, संख्या की, लिंग की, वचन की, ये सारी सीटेट एचटेट वाले बच्चों के लिए, कैंडिडेट्स के लिए, जो कॉम्पिटेटिव लेवल की क्लास टीचिंग के लिए एग्जाम दे रहे हैं, उन बच्चों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर आप ये सीख जाते हैं, ये हमारा बेसिक है, अगर ये सीख जाते हैं तो बच्चे बहुत ग्रामर में, बहुत सारी ग्रामर में ये इस तरीके के बातें आती हैं, और इसको सीखने से आप बहुत कुछ सीख जाएंगे, काफी कुछ आपको समझ आ जाएगा कि हमें संस्कृत को किस तरह से पकड़ना है। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं हम। धातु रूप में मैंने आपको सिखाया प्रथम, जैसे आपने ये इसमें ये आपके पुरुष विचार में सीखा था प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, इसी तरह से हमारे यहाँ पर भी धातु पुरुष में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष आता है। और यहाँ वही एक वचन, एक वचन और द्विवचन और ये बहुवचन। ओके, अब देखिए एक वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब इसका प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष के अंतर्गत एक वचन में, जैसे अब मैं धातु रूप, अब किसके ले रही धातु रूप, मैं बेस धातु मानती बच्चे। हम कोई भी कहीं पर भी जब हम चलते हैं
तो हमें बेस मानना बहुत जरूरी होता है। संस्कृत में बेस जब हम मान लेते हैं तो हमें दिक्कत बहुत कम होती है। तो मैं यहाँ लिखने जाती हूँ, जो मैं धातु रूप सिखा रही हूँ पट धातु के सिखा रही हूँ। बेस में क्या लेके चल रही हूँ? पट धातु, है ना। अब पट धातु में तो एक वचन होगा, ये आपको बच्चों याद करना है, इसको याद करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे जब तक इसे याद नहीं करोगे। तो पठती, देखिए पट धातु तो है ये, है ना, इसका हलन कट जाएगा और पीछे लग जाएगा पठती, पठती। आपने इसमें क्या जोड़ा बच्चे? आपने जोड़ा पठती, आपने क्या जोड़ा? अति। क्या जोड़ा इसके साथ? आपने क्या जोड़ा इसमें से? ये जब हलन थट आया तो अ लगाया, अति, तो आपने जोड़ा अति, है ना। और फिर पठती पठतः, आपने इसमें क्या जोड़ा? अतः। इसमें क्या जोड़ा? अ यहाँ और त, अतः। और पठंती, पठती पठतः पठंती। ओके, नेक्स्ट आ जाइए, मध्यम पुरुष के अंदर आएगा पठती पठतः पठंती और ये हो जाएगा पठसी। ये आपको बच्चों याद भी करना है, पठसी पठतः पठतः पठत, पठामि जाती है, मैं फिर से लिखवा देती हूँ अच्छी तरह से, ये हो जाएगा पा, पा, है ना। और इसके बाद हो जाएगा पठामी, पठावह, पठामह। देखिए कुछ बच्चे तो ऐसे ही याद करते हैं, पठती पठता पठंती, पठती पठता पठत, पठामी पठावो पठामा, राइट। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, तो वो क्या करते हैं, ये पठ पठ तो हमारे पास है ही है, है ना, इसमें वो सोचते हैं कि हम किसमें क्या, इसमें अति जोड़ा, इसमें अतः जोड़ा, इसमें अंति जोड़ा, है ना, इसमें असी जोड़ा, इसमें अतः अथ, है ना, आमी, इसमें आओगे ना आमी आव आम। आप ऐसे याद कर लीजिए या वैसे याद कर लीजिए, बहुत दोनों ही तरीके से सही है। अगर मैं इसमें लिखूं कि आपका यहाँ पे क्या जोड़ा है, हमने हमने यहाँ पे जोड़ा, मैं ये भी लिख देती हूँ, या बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं नहीं लिखती, क्योंकि मैं तो आपको बच्चे ये कहती हूँ पठती पठता पठंती, पठसी पठता पठत, पठामी पठाव पठाम, ऐसे याद कीजिए मूल धातु। और फिर कहिए तो मैं लिख देती हूँ, और इसमें देखो इसमें हम क्या जोड़ रहे हैं, हम इसमें जोड़ रहे हैं अति, है ना, हमने क्या जोड़ा है इसमें, अति जोड़ा है। अच्छा ये बहुत कंफ्यूजन वाला होता है, इसको रहने दीजिए, आप इसको ऐसे ही याद कीजिए, क्योंकि मैं भी ऐसे ही याद करती थी और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी ऐसे याद करो। पठती पठता पठंती, पठती पठता पठत, पठानी पठावो पठाना, ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब देखो आपके पास जितने वो हैं धातु सब एक समान चलेगी। अच्छा धातु में पट धातु लिखा और इस जिसको बोलते हैं पट धातु, इसकी धातुएं हमारे पास बहुत होती हैं, पांच आती हैं, पांच भी नहीं कहूँ मैं आपके पास तीन कहूंगी, क्योंकि पांच एट्थ क्लास तक होती हैं, फिफ्थ क्लास और सिक्स क्लास में या कॉम्पिटेटिव लेवल की अगर हम बात करें तो ये सारी धातुएं आती हैं। अगर सी टेट और एच टेट की बात करें तो ये सारी धातुएं हमें काम आती हैं। तो ये हम क्या सिखा रहे हैं आपको, हम ये सिखा रहे हैं लट लगा, पट धातु और ये लट लगा।
है ना, पठ धातु लट लगा सकता है। तो ये एक ये हो गया पठती पठता पठंती पठसी पठता पठत पठानी पठाव पठाव पठामह। बच्चे मैं आपको बार बार इसलिए दोहरा रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए अधिक। अब आखिरी बात आई हमारे सामने, इस वीडियो को इस क्लास को यहीं पे आखिरी पॉइंट समझा करके फिनिश करूंगी, तो वो हमें आखिरी पॉइंट समझाऊंगी ताकि आप उसकी प्रैक्टिस कर सके। अब क्या है, इस तरह के बच्चे कई क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम इसको कैसे रखा जाए, कैसे याद किया जाए। बच्चे अभी जैसे एक हमारे रांची के छोटा बच्चा है जो फिफ्थ क्लास में सिक्स क्लास में पढ़ते हैं, वो बार बार मुझसे क्वेश्चन करता है कि मैम इसको कैसे याद करें, हम याद नहीं कर पाते, याद करने में हमें बहुत दिक्कत, जिसका नाम देवदूत है ना, वो मुझसे बहुत क्वेश्चन करता है, उसके पॉइंट बहुत आते हैं। बच्चे मैं आप लोगों से भी बोलती हूँ, जिनको जिन बच्चों को या जिन जो सीटेट वगैरह के कैंडिडेट हैं, जिनको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, वो मेरे साथ शेयर करें अपनी प्रॉब्लम, कैसे याद नहीं हो रहा, मैं याद करने का तरीका भी बताऊंगी। मैंने देवदूत को बताया कि किस तरह से आपको याद करना है, वो उसे बहुत सेटिस्फेक्शन हुआ कि मैम आपने बहुत अच्छा तरीका बताया, अब मुझे दिक्कत नहीं होती है। एक हमारे छोटे बच्चे और हैं सुमित, जिसने उसने भी मुझसे इस तरह के क्वेश्चन बहुत किए हैं, और वो उसे यही नहीं समझ आ रहा था बच्चे को कि ये जो हमारे कर्ता है किसको कहते हैं, क्रिया किसको कहते हैं। तो मैंने उसे अच्छी तरह से और बहुत अच्छी तरह से स्टाइल समझाया, फोन पर मैंने उसे समझाया कि अब जैसे आप हो, आपका नाम है सुमित, भाई सुमित खेल रहा है तो खेलने का काम हो रहा है, और काम कौन कर रहा है, सुमित कर रहा है, तो जो काम कर रहा है वो कर्ता कहलाया है, और खेलने का काम हो रहा है वो क्रिया है। इस तरह से बच्चे, बहुत से बच्चे मेरे को कॉल करके बात करते हैं और मैं उनकी बात को, उनके डाउट्स को क्लियर करती हूँ। सभी से मैं कहना चाहती हूँ, चाहे वो फिफ्थ सिक्स क्लास के बच्चे हों, चाहे वो सीटेट और एचटेट के कैंडिडेट्स हों, सारे कैंडिडेट्स मुझसे बात कर सकते हैं और कभी भी बात कर सकते हैं। मैं उनकी प्रॉब्लम, उनके डाउट्स को बहुत जल्दी और आसानी से क्लियर कर देती हूँ। राइट, मेरा ध्येय, मेरा टारगेट सिर्फ आपको सिखाना है ताकि आपको कहीं भी संस्कृत में परेशान। अब मैं आगे चलती हूँ। जैसे मैंने आपको ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष का एक पठ धातु का सिखाया, तो मैं अब आपको देखिए, अब जैसे आपने पढ़ने की पठ धातु कर ली, अब लिखना है ना, तो लिखना के भी आपको सेम चलेंगे, लिखती लिखता लिखंती, लिखसी लिखता लिखत, लिखामी लिखावा लिखामा, बिल्कुल सेम चलते है ना। अब जैसे हंसना है, हंसने को बोलते हैं हंस, तो हसती हसता हसंती, हसती हसता हसत, हसामी हसावा हसामा। ओके, खाना है तो इसके बाद जैसे खेलना है, खेलती खेलता खेलंती, खेलती खेलता खेलत, खेलामी खेलावा खेलामा, जो भी ले लीजिए। अब जैसे मैं गिरना है, गिरने को बोलते पत, तो पतती पतता पतंती, पतसी पतता पतत, पतती पतथा पतत, पथामी पथावा पथामा, है ना, पतामा पतामी पतावा पतामा। और नम है, नमति नमता नमंती, नमसी नमता नमत, नमामी नमावा नमामा। इस तरह से कोई भी हो, दौड़ना के लिए मैंने बच्चों यहाँ नहीं लिखा है, दौड़ना को बोलते हैं धाव, मैंने लिखा नहीं है, यह रह गया है। और मिलने को बोलते हैं मिल। अब जैसे बोलो मिलती मिलता मिलंती, मिलती मिलता मिलत, मिलामी मिलावा मिलामा। आपके एक बार ये रूप याद करने पर आपको सारे रूप लट लगा से। ओके, बात समझ आ गई। अब आ जाइए बच्चे, इतना सीखने के बाद अब मैं आपको समझाती हूँ कि हमारा ये है कर्ता, जो मैंने ये सिखाया, ये जो चीजें होती हैं, ये तीन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, मैंने आपको सिखाया कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए दो चीजें होती है, कर्ता और क्रिया। अब कर्ता जो होते हैं वो ये होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। क्रिया जो होती है, क्रिया जो होती है वो ये होती है धातु, है ना, ये पठती पठती पठती। अब कर्ता और क्रिया का कॉम्बिनेशन मिलाना पड़ता है, ये कर्ता है और ये क्रिया है, इनका कॉम्बिनेशन मिलाना है ना। अब जैसे मैं जैसे आपको सिखा रही हूँ, अब मैंने सिखाया जैसे जैसे तुम लिखते हो,
तुम लिखो बच्चे ए, मैं बताऊं ये जो लट लकार है ना ये हमारा प्रेजेंट टेंस। तो जितने भी वाक्य प्रेजेंट टेंस के होंगे, प्रेजेंट टेंस का मतलब वर्तमान, वर्तमान के होंगे, चाहे वो पढ़ रहा है चाहे वो पढ़ता है, जो भी प्रेजेंट टेंस की बात होगी, प्रेजेंट की बात होगी, वर्तमान की बात होगी, उसमें हम ये लट लगा लेंगे। फ्यूचर की होगी तो दूसरे लगेंगे, पास्ट की होगी तो दूसरे लगेंगे। फिलहाल हम सबसे पहले क्या सीख रहे हैं, प्रेजेंट सीख रहे हैं, वर्तमान सीख रहे हैं। तो तुम लिखते हो ये वर्तमान है, और अब बताओ मैंने आपको क्या कहा, आपको सिखा रही हूँ कि ये जो तुम है, अब इसमें क्रिया कौन सी है हमारी, ये जो है क्रिया है और ये जो है कर्ता है, समझ रहे हो। अब मैंने आपको क्या बताया, कर्ता हमारा क्या होता है, कर्ता हमारे ये। अब इसमें आया तुम लिख रहे हो, तो तुम हमारा देखिए बच्चे क्या है, मध्यम पुरुष, ये तुम जो है मध्यम पुरुष एकवचन, तुम मध्यम पुरुष, ये तो तुम दो है ना, तो उसमें एक है तुम, तो मध्यम पुरुष एकवचन, तो तुम के लिए हम क्या लिखेंगे, तुम, हम क्या बनाएंगे, आंसर मैं रेड में लिख दे रही हूं, हम क्या बनाएंगे, तुम, है ना। अब हमारा कर्ता किसमें है, कर्ता हमारा मध्यम पुरुष एकवचन, कर्ता हमारा किसमें है, मध्यम पुरुष एकवचन में, तो क्रिया भी हमारी मध्यम पुरुष एकवचन की लगेगी, तो क्रिया भी हमारी क्या लगेगी, मध्यम पुरुष एकवचन। तो मध्यम पुरुष एकवचन क्या है, पठसी, तो इसमें क्या है, लिख रहे हो तो लिखसी, बस कितना आसान है बच्चे। अगर आप ये दोनों चीजें जो मैंने आपको बताया, ये कर्ता के लिए आता है ना, ये किसके हैं, ये हमारे कर्ता के लिए, पुरुष विचार किसके लिए, कर्ता, मैं इसमें कर्ता लिख दूं क्या, हाँ यहाँ लिख देना मेरे लिए सबसे सही है, और इधर भी, ये सब हमारे क्या है, कर्ता है, है ना। और कर्ता और क्रिया की है ना, अब आपका ये कर्ता हो गया और ये हमारे क्या है, ये हमारी क्रिया, ओके। और कॉम्बिनेशन मिलाना है, देखिए कर्ता में भी प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष है, क्रिया में भी प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष है। अगर प्रथम पुरुष का कर्ता हमारा प्रथम पुरुष का बहुवचन आता है, तो क्रिया मेरा यहाँ पे कर्ता हमारा प्रथम पुरुष का बहुवचन आता है, ते ता तानी में से कोई आता है, तो हमें लगाना पड़ेगा पठंती, यस। तो जो जैसा आता है, देखो सब में प्रथम पुरुष में एकवचन द्विवचन बहुवचन, इधर भी देखिए प्रथम पुरुष में एकवचन द्विवचन बहुवचन मध्य, अब इसमें ये देखना होगा कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में से देखकर पहचानना होगा कि हमें कौन सा लगाना है, स लगाना है, सा लगाना है, तत् लगाना है, इसी तरह द्विवचन में, इसी तरह से बहुवचन में, ओके। अब आ जाइए, जैसे मैं आपका ये पहला सेंटेंस आपने सीखा, अब मैं आपको दूसरा सेंटेंस सिखा रही हूँ, अब दूसरा देखिए, दूसरा मैं लिख रही हूं कि वह दो, नहीं मैं दो बालक लिख दे रही हूं, है ना, दो बालक वह दो लिखते, ताकि आपको बाद में सिखाऊंगी, टफ पहले इजी इजी करते हैं। तो हम सीखते हैं कि वह वे सब पढ़ रहे हैं,
वे सब पढ़ रहे हैं। अब बताइए वे सब हमारा किस में आ रहा है, प्रथम पुरुष में, है ना, वे सब प्रथम पुरुष में आ रहा है, वे दो वे सब, यहाँ पे भी आप वे सब कर लो, वे करो, वह नहीं करते, क्योंकि हमारा ये और इधर भी वे आएगा, है ना, वे आता है, बहुवचन वे होता है, वह नहीं होता, वे सब, और ये वे सब, वे दो और वे सब, ओके, तो हमारा ये है। अब वे ना वह सब पढ़ रहे हैं, तो वह सब वे सब तो पुल्लिंग, वे सब पढ़ रहे हैं तो पुल्लिंग है, और इसका हम लगा सकते हैं, तो पुल्लिंग का क्या है, सह तऊ ते, तो ते ते है ना, ते, अब हम इसमें ते लगा सकते हैं, चलिए ते मान लेते हैं पहले, फिर बात चलते चलते मैं आपको सिखाऊंगी, पढ़ रहे हैं तो हम क्या लगाएंगे, प्रथम पुरुष का बहुवचन, क्योंकि हमने प्रथम पुरुष का बहुवचन ही उठाया था, कर्ता, यहाँ पे देगा पठन, अब मैं तीसरा सिखाती हूं, मैं दौड़ रही हूं, मैं हाँ दौड़ रही हूँ, एक दो सेंटेंस कर, मैं दौड़ रही हूँ, तो अब देखिए मैं क्या है, उत्तम पुरुष एक वचन, इधर देखिए मैं उत्तम पुरुष एक वचन, मैं अहम, तो यहाँ पे आ जाएगा अहम, हम क्रिया भी, दौड़ने की क्रिया भी हम कहां से उठाएंगे, उत्तम पुरुष से एक वचन में, तो और दौड़ने को क्या बोलते हैं, धाव, तो धावन से, दो और सेंटेंस करा के मैं एक क्लास यहीं पर फिनिश कर रही हूँ बच्चे, पांच आपको सेंटेंस सिखा दिए, बाकी आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको बहुत आसानी होगी, और अगर कहीं आपको डाउट आ रहे हैं, कहीं परेशानी हो रही है, तो आप मुझसे कॉल करके बात कर सकते हैं, ओके, तो हम अब आप तीसरा करते हैं, कौन से शब्द को ले बोलने के लिखती हूँ, ये तीसरा नंबर डाल रही हूँ कि तुम सब बोल रहे हो, ओके, अब तुम सब बोल रहे हो, तुम सब के लिए क्या आएगा, इधर देखिए तुम सब के लिए है यूयम, है ना, और हम जब क्रिया की लेंगे तो मध्यम पुरुष बहुवचन की लेंगे, तो तुम सब में आ जाएगा यूयम, बोल रहे हो, और बोलने को बोलते हैं वद, इधर देखिए बोलना है आपका वद, बोलना वद, तो हमारा मध्यम पुरुष बहुवचन वदत, यूयम वद, बिल्कुल बहुत आसान है, जो कर्ता का पुरुष और वचन लगा रहे हो वही क्रिया का पुरुष और वचन लगा दोगे, क्योंकि दोनों में एक समान चल रहा है ना, अब हमारा एक और तीन चार हो गए बच्चे, ये फोर्थ नंबर है, और इसके बाद हम चलते हैं, एक और करवा देती हूँ फिफ्थ नंबर, और इसका अब आप देखिए किसका करेंगे, आप करेंगे हंसने के, बच्चे हंस रहे हैं, यहाँ भी बच्चे नहीं सिखा रहे, हम सब हंस रहे हैं, हम सब हंस रहे हैं, हम सब के लिए क्या आएगा, हम सब के लिए यहाँ पे देखिए वयम, है ना, तो उत्तम पुरुष का बहुवचन, तो हम यहाँ करेंगे वयम, उत्तम पुरुष का बहुवचन लगाएंगे वयम, और इसका यहाँ पे आएगा पठाम है तो हसाम, हसाम, ओके, तो आप मेरी बात को समझ गए होंगे बच्चे, अब ये देखिए मैंने एक लास्ट बात आपको समझा रही हूँ कि देखिए
ये लास्ट बात बात आप बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए कि तुम दो और तुम सबके लिए, केवल तुम दो तुम सबके लिए मध्यम पुरुष आता है, इसके अलावा कहीं पर भी मध्यम पुरुष नहीं आता है। चाहे इसका पर्यायवाची होता है, आप पढ़ रहे हो तो भी आप पर्यायवाची भी इसके अंतर्गत, मध्यम पुरुष के अंतर्गत नहीं आता है। मध्यम पुरुष के अंतर्गत केवल तुम दो तुम सभी आता है, और उत्तम पुरुष के अंतर्गत केवल मैं हम दो हम सब आता है। इसके अलावा दुनिया जहान के जितने भी कर्ता होते हैं, दुनिया जहान के जितने भी कर्ता होते हैं, वह प्रथम पुरुष के अंतर्गत, वो पुल्लिंग हो सकते हैं, नपुंसकलिंग हो सकते हैं, स्त्रीलिंग हो सकते हैं, एक वचन द्विवचन बहुवचन हो सकते हैं। फिर से सुन लीजिए, तुम दो तुम सबके अलावा कोई भी चीज मध्यम पुरुष के अंतर्गत नहीं आएगी। मैं हम दो और हम सब के अलावा कोई भी नाम कोई भी वस्तु उत्तम पुरुष के अंतर्गत नहीं आएगी, चाहे इसके पर्यायवाची क्यों हो, और सबके सब प्रथम पुरुष एक वचन में आएगा। अब वो जैसे अगर हम बोले बालिकाएं खेल रही हैं तो भी हमारी किसके अंतर्गत आएंगी, प्रथम पुरुष के अंतर्गत, और बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी प्रथम पुरुष के अंतर्गत आएंगे, मित्र खेल रहे हैं वो भी पुरुष के, ये आपको सर्वनाम है, वो आपकी जितनी संज्ञाएं हैं सब आपकी प्रथम पुरुष, जितनी संज्ञा शब्द है सबके सब प्रथम पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन के अंतर्गत आएंगे, या स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग के अंतर्गत आएंगे। राइट, आप मेरी बात को बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। बहुत से क्वेश्चन इस आज की वीडियो में, बहुत से डाउट्स बच्चों के निकल सकते हैं। मैं चाहती हूँ बच्चे आप मुझसे कॉल करके अपने डिस्कस कीजिए, कोई भी परेशानियों में आपकी परेशानी के आपके डाउट्स को क्लियर करूंगी, क्योंकि कुछ टॉपिक ही बहुत अच्छा सेंसिटिव टॉपिक है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। तो मैं यहाँ क्लास को कंप्लीट करती हूँ, और कंप्लीट करने से पहले आपको फिर से वही दोहराती हूँ कि आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, नियर डियर को जरूर बताइए ताकि वो संस्कृत की क्लासेस का लाभ उठा सके, और मैं भी जितने मेरे पास आपके कॉल्स आते हैं, जितने आप मुझसे डाउट्स पूछते हैं, जितने सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकॉन पर प्रेस होती है, फ्रेंड्स को बताते हैं, मुझे सिर्फ आपका आपके थ्रू मैं मुझे मोटिवेशन मिलता है, और मैं मोटिवेट होकर के बहुत जल्दी से जल्दी क्लासेस देने की कोशिश करती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे फोन करके मेरे से डिस्कस करते हैं। राइट, तो मैं इस क्लास को यहीं फिनिश कर रही हूँ, नेक्स्ट क्लास लेकर मैं आपके पास बहुत जल्दी आऊंगी, तब तक के लिए गुड बाय, ओके, थैंक यू बच्चों।